किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने आज जिले की तहसील सिवनी मालवा के ग्राम गाडरिया में मूंग की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में उतरकर किसानों द्वारा बोई गई मूंग और मिर्ची की स्थिति देखी। इस दौरान कृषि मंत्री पटेल ने किसानों से भी चर्चा की। किसान ने कृषि मंत्री श्री पटेल को बताया कि उनके द्वारा 50 एकड़ में मूंग की फसल बोई गई है। पिछले वर्ष 4 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग हुई थी, जो बढ़कर इस वर्ष प्रति एकड़ लगभग 6 से 7 क्विंटल होगी, जिससे उन्हें 50 से 60 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होगा। कृषि मंत्री ने किसानों से चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2020 से मूंग सिंचाई के लिए तबा डैम से पानी देने की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तबा के पानी का सदुपयोग और 7,755 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का ही सुपरिणाम है कि नर्मदापुरम और हरदा जिले में लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ की मूंग फसल का उपार्जन होगा। मूंग फसल के बेहतर उत्पादन से किसानों के आर्थिक समृद्धि के द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। कृषि मंत्री ने मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। निरीक्षण के दौरान यशवंत पटेल, उप संचालक कृषि JR एडाउ एवं किसान उपस्थित रहे। हम सिवनी मालवा के नर्मदापुरम जिले के ग्राम गाडरिया के खेतों में है और हमारे ये किसान है सर। यहाँ क्या नाम है आपका? भगवंती है। भगवंती जी, ये आपके खेत में कितने एकड़ में? ये 50 एकड़ में। 50 एकड़ पे पिछली बार कितनी हुई थी? पिछली बार 4 क्विंटल हुई थी एकड़ पे। एकड़ पर 4। इस बार 6 से 7 का लगभग एवरेज जाए। अच्छी लगी है। हाँ, देखिए बहुत बधाई। 7 क्विंटल एक एकड़ में होती है और 7,755 रुपए समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं। 50,000-60,000 रुपए एकड़। ये कितने, 2 महीने की फसल है? 2 महीने में। लागत कितनी आ जाती है इसमें? लागत 10,000 रुपए एकड़। 10,000 रुपए एकड़ लागत है और 50,000-60,000 रुपए एकड़। 50,000 का मुनाफा। 50,000 रुपए एकड़ 2 महीने में। और इस मजदूरों को भी आप जो सिंचाई के लिए देते हो, कितने देते हो? ये 10 एकड़ का, 10 एकड़ का सर 2,500 रुपए पर एकड़। 2,500 रुपए एकड़। 25,000 रुपए अगर 20 एकड़ में, तो एक पति पत्नी दोनों कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। 50,000 उनको मिल जाए। 50,000 उनको दे देते हैं। 50,000 में साल भर 2 महीने में 50,000 मजदूरों को भी मिलता है। इस प्रकार हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व 2020 से नहर में पानी छुड़ाना शुरू किया कोरोना के लॉकडाउन के समय, और उसके कारण मजदूरों को रोजगार भी मिला। उस समय 40,000 मिलते थे 20 एकड़ में, अब 50,000 मिल रहा है मजदूरों को, और किसान को भी 2 एकड़ में 50,000 से ऊपर की फसल हो रही है। और इस प्रकार 40 से 50,000 रुपये एकड़ किसान को बच रहा है। अब ये 50 एकड़ में इनका तो कितना पक्का हो? 25 लाख रुपये एक किसान को अतिरिक्त आमदनी है। और ये जो तवा डैम है जिसमें पानी बारिश के बाद वैसे ही छोड़ देते समुद्र में बह जाता था, उसका हमने सदुपयोग किया है। और इस प्रकार नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसानों की इस बार 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच की मूंग की फसल होगी, जिससे आर्थिक समृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना, उसमें हमने 3 गुना और 4 गुना कर दी नर्मदापुरम जिले और हरदा जिले की, और बाकी प्रदेश के 32 जिलों के अंदर मूंग हो रही है। और इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कर रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और किसान भाइयों को बधाई देता हूँ। और मैं अपने आप को कृषि मंत्री के नाते, मेरा कृषि मंत्री बनना सार्थक हो गया। सफल तो बहुत हो जाते हैं बनने में, लेकिन सार्थक होना अलग बात है। और मुझे खुशी है कि मैं मेरे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी का सपना और संकल्प पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से